अगर आपको रंग बिरंगे पक्षियों का आनंद लेना हो या फिर नेचुरली चीज़ों का आनंद लेना हो तो कभी एक बार आला उदल की वीर भूमि महोबा में ज़रूर आएँ। बुंदेलखंड की ये भूमि है और इस बुंदेलखंड की वीर भूमि में आज नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है और नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल के आयोजन पर जो फोटोग्राफी कंपटीशन हुआ है उसमें तीन लोगों का जो रैंक है जिनका मैं बता दूं आपको कि सतीश कुमार जी हैं, हिमांशु चौधरी जी हैं और पद्मावा संतरा जो थर्ड रैंक सिक्योर की है, ये तीन लोग हैं हमारे साथ मौजूद हैं। आपका गुड नेम क्या है? मेरा नाम धीरज है, मैं यहाँ पर इस फोटो एग्जीबिशन का ऑर्गेनाइजिंग मेंबर भी हूँ और जज भी हूँ। तो इसमें हम लोगों के पास 120 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था ऑल ओवर इंडिया से, जिसमें से हमारे पास 500 एंट्रीज आई थी। उन 500 में से हमने यहाँ पर 150 पिक्चर्स को यहाँ गैलरी में एग्जीबिट किया है। उसके अलावा यहाँ पर तीन विनर्स हैं जो कि हमें ऑल ओवर इंडिया से पिक्चर जो आई थी उनमें से हम लोगों ने तीन बेस्ट प्राइजेस जो मिले हैं, उसमें फर्स्ट प्राइज़ में हम लोगों को सतीश कुमार जी का जो बेस्ट पिक्चर था, ये जो जैकाल का पिक्चर आप देख पा रहे हैं ये आया है। सेकंड नंबर पे एक ये पिक्चर है शॉर्ट टोड ईगल आउल का और एक ईगल का है और थर्ड है ये फायर आंट का है। ये तीन पिक्चर्स, इन सभी पिक्चर्स में से बेस्ट थ्री पिक्चर सिलेक्ट हुए हैं। और आपके साथ में जो सतीश जी हैं वो अभी आप बता रहे थे कहाँ। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन डेट यू सिक्योर फर्स्ट रैंक इन द फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन। बहुत धन्यवाद। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं रेवाड़ी हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। हरियाणा से आपने ये कहाँ लिया था, ये पिक्चर जो अभी हम देख पा रहे हैं जयकाल का, ये कहाँ पर लिया था आपने? ये उत्तराखंड का कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, कॉर्बेट नेशनल पार्क। जी जी, उसमें बिकाला जोन है। ओके, तो कैसा लगा आपको यहाँ पर आकर के, ये जो फेस्टिवल हो रहा है नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल? महाबा से प्यार हो गया मुझे तो। प्यार हो गया? जी जी जी, बहुत खूबसूरत जगह है ये आपकी। अच्छा। धरोहर है ये किस्म से, आला उदल की नगरी जो हमें आज ही पता लगा है। और ऊपर से चारों तरफ हरियाली हरियाली है और आपका यहाँ अरेंजमेंट्स हैं ये तो गजब के हैं। बहुत तो आपने अभी क्या एक्सप्लोर किया यहाँ पर आकर के? देखो यहाँ के आदमी बड़े अच्छे लगे और यहाँ अभी एक्सप्लोर करना बाकी है जी। अभी यहाँ प्रोग्राम में शामिल होंगे जो ये नाम वगैरह देंगे वो लेंगे, उसके बाद फिर यहाँ देखेंगे अपना, एक्सप्लोर भी करेंगे। लेकिन जो अभी तक देख पाए ना, यहाँ के अरेंजमेंट्स जो नज़र आ रहे हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत एक्टिव है, बहुत अच्छा लगा। अरेंजमेंट्स उनके बहुत अच्छे हैं और अच्छा फोटोग्राफी कंपटीशन करवाया। उसके अलावा यहाँ भीड़ देख के अच्छा लग रहा है, अच्छा है। बुंदेलखंड के बारे में क्या आपकी राय कहेंगे अब जब आप यहाँ पर आए और ये नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल को आप अपनी आंखों से खुद देख रहे हैं? ये देखिए, अभी तक हमने तो किताबों में पढ़ा था और कहीं मीडिया पे देखा है, लेकिन अब अपनी आंखों से देखने का मौका मिला है। रात को लाइट साउंड शो देखा है उधर खजुराहो का, तो हमें बुंदेलखंड के बारे में पता लगा और वो मंदिर अपनी आंखों से देखे हमने, हमें विश्वास नहीं हुआ। लगता था कि वो फोटो में कहीं नकली हैं लेकिन वो असल में ही है। बहुत बहुत शानदार। तो ये थे हमारे साथ फोटोग्राफी कंपटीशन में जो फर्स्ट रैंक सिक्योर करे सतीश कुमार जी। इन्होंने बताया कि बुंदेलखंड को अभी तक उन्होंने सिर्फ किताबों में देखा था, नेट में देखा था, मीडिया के माध्यम से टीवी में देखा करते थे, लेकिन आज जब वो आए हैं यहाँ पर तो वास्तव में उन्होंने जो बुंदेलखंड को अभी तक जितना एक्सप्लोर किया कल रात से अभी तक, उसको लेकर के वो बड़े ही खुश हैं कि वास्तव में बुंदेलखंड में बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी तक हमें देखने को नहीं मिल पाती थी, जो छुपी हुई थी। लेकिन लगातार शासन और प्रशासन की जो मंशा थी कि बुंदेलखंड को एक विश्व पटल पर, नेशनल लेवल पर टूरिज्म को लेकर के लाया जाए, वो कहीं ना कहीं अब सार्थक होता दिख रहा है।